सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरी, जिसके लिए हमें चॉकलेट को चॉप करके उसको वाटर बाथ पे मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद हम स्ट्रॉबेरीज को चॉकलेट के साथ कोट कर देंगे और उनको स्टैंड पे लगा के फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हमें वाइट चॉकलेट भी गर्म करनी है और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज को उसके साथ कोट करके सेट होने रख देंगे। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी स्पाइस्ड एप्पल बेरी पाई। इसके लिए सबसे पहले हमने मैदे को रेफ्रिजरेटेड बटर और सॉल्ट के साथ फूड प्रोसेसर में मिक्स कर लेना है जब तक वो क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ले। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आइस्ड कोल्ड वाटर। जब ये क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसको हम मार्बल पे नीट करके 2 सेक्शंस में डिवाइड करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हमारी एप्पल सॉस है, जिसके लिए हम मक्खन को मेल्ट करके उसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और उनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद उसके अंदर पानी शामिल करके हम इसको हनी ऐड कर देंगे और हमारी सॉस तैयार है। एप्पल्स को पील करके उनको सिनेमन पाउडर के साथ कोट करेंगे और फिर जो हमारी सॉस है जो हमने मक्खन से प्रिपेयर की थी वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। सेकेंड रेसिपी है स्ट्रॉबेरी सॉस, जिसके लिए हम लेमन जूस, वाटर और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी बॉइल्ड स्ट्रॉबेरीज हैं उनको हम मैश करके इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे और साथ थोड़ा लेमन ज़ेस्ट भी ऐड कर देंगे। ब्लेंड करके इसको कुक करेंगे और हमारी सॉस तैयार है। इसके बाद हम डो को बेल के उसको एक ग्रीस्ड पैन के अंदर रखेंगे और एजेस मैंने कट कर दिए थे फॉर नीटनेस। उसके बाद उसको फोर्क से पोक करके हम साथ में स्ट्रिप्स भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी को हाफ सेक्शन में और हाफ सेक्शन को एप्पल सॉस के साथ फिल करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रिप्स को ऊपर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में लगा देंगे और ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। सेकेंड रेसिपी है लेमन ड्रॉप केक। इसके लिए सबसे पहले हमने अंडे को वनीला एसेंस के साथ और सॉल्ट के साथ बीट कर लेना है। जब ये फ्लफी शक्ल अख्तियार कर ले तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और हनी ऐड करेंगे। मैंने इस रेसिपी के अंदर लेमन जूस भी शामिल किया था अलॉन्ग विद लेमन जेस्ट। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने आलमंड फ्लोर प्रिपेयर किया था, जिसके लिए मैंने बादामों को पील करके उसको ग्राइंड कर लिया था जिससे हमारा आलमंड फ्लोर प्रिपेयर हुआ था। तो हम वो शामिल करेंगे और साथ हम नॉर्मल रेगुलर फ्लोर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बैटर के अंदर फोल्ड करेंगे, पैन को ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे और ये बैटर इसमें शामिल करके बेक होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट रेसिपी है चॉकलेट जिलाटो पर्ल। इसके लिए सबसे पहले हम बादामों को बॉईल करेंगे और पील करके साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम इसको मिल्क बनाएंगे, जिसके लिए हमें ग्राइंड करके पानी शामिल करना होगा। उसके बाद हम हमारे जो डेट्स हैं उनको गर्म पानी के अंदर रख देंगे सोख होने के लिए, जिसके बाद हम उनको पील कर लेंगे। जो हमने आलमंड मिल्क प्रिपेयर किया था उसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, डेट्स ऐड करेंगे। बनानास प्रिपेयर करने के लिए आप बनानास काट के उसको फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट, ताकि वो फ्रीज हो जाएँ, और उसके बाद इस बैटर में आप वो बनाना भी शामिल कर देंगे। इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट बॉल प्रिपेयर करने के लिए आप डार्क चॉकलेट को वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे और जब वो मेल्ट हो जाएगी तो मैंने इसके लिए बलून इस्तेमाल किए थे, जिसको आप छोटे साइज में इन्फ्लेट करके उसके ऊपर चॉकलेट ऐड कर देंगे। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आप बोल के अंदर आइसक्रीम और केक ऐड करके उसको सर्व कर सकते हैं। लास्ट रेसिपी है हमारी फ्रूट एंड नट ट्राइफल, जिसके लिए सबसे पहले हम खुबानियों को पानी के अंदर सोख होने के लिए रख देंगे, साथ ही हम इंजीर को भी सोख कर देंगे। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल हो जाए तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आप ब्लेंड कर देंगे। जब ये पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लें तो 1/2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इस तरह आपकी एप्रिकॉट और इंजीर सॉस जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगी।
स्ट्रॉबेरी सॉस प्रिपेयर करने के लिए भी सेम तरीका है। स्ट्रॉबेरीज को पानी के साथ उबालें और फिर उनको ब्लेंड कर लें। कस्टर्ड प्रिपेयर करने के लिए आप अंडे और वनीला एसेंस को अच्छी तरह विस्क करके उसके अंदर दूध शामिल करेंगे। उसके बाद उस मिक्सचर को बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने केक के स्टार और हार्ट शेप कट कर दिए थे। साथ हमने फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल किया था, आलमंड पाउडर का इस्तेमाल किया था और जो हमने सॉस प्रिपेयर किए हैं अलॉन्ग विद हनी एंड क्रीम वो यूज़ किया था। सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन के लिए ग्लास को हनी से कोट कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर केक शामिल करके स्ट्रॉबेरीज को साइड पे लगा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपने जो कस्टर्ड प्रिपेयर किया था वो ऐड करेंगे। ऊपर हम स्ट्रॉबेरी सॉस डालेंगे, क्रीम डालेंगे, एप्रिकॉट सॉस डालेंगे और आलमंड पाउडर को ऊपर सेट कर देंगे। इसके बाद इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल डालेंगे टॉप्ड विद क्रीम एंड चेरीज। इस तरह आपका ट्रॉपिकल डिज़र्ट बार प्रिपेयर हो जाएगा।